माइनस टू के क्यू क्यू बाय ए, उससे कटेंगे तो कुछ भी नहीं। लीनियर मोमेंटम, अब यदि उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है इस पॉइंट के अबाउट और दूरी चेंज हो रही है, राइट, तो डेफिनेटली एम वी आर साइन थीटा, में थीटा भी वेरिएबल, आर भी वेरिएबल, तो वी भी वेरिएबल होगा ही होगा, ऐसे सोच लो। क्यों अभी तक मैंने बताया तो था, बिल्कुल बताया था मैंने, नहीं बताया? इसका फ्रंट व्यू बना दीजिए, फ्रंट व्यू बनाएंगे तो ये आपका वो हो गया वायर चार्ज्ड, और ये आपका हो गया बेस पे जो है, राइट। इस रेडियस ए का, ये ए आएगी दूरी यहां से यहां तक, इसका यदि आप एक सिलेंडर कंसिडर कर ले इसको सेंटर बना के, राइट, तो क्या होगा, इस सिलेंडर के इस हिस्से के थ्रू जितनी भी फील्ड लाइंस जाएंगी वो सारी इसके थ्रू ही जाएंगी। इसका मतलब सिलेंडर के इस हिस्से के थ्रू जानना है, ये एंगल मालूम कर लो कितना है, ये पाई बाय सिक्स आता है, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया पाई बाय थ्री, टोटल फ्लक्स इस सिलेंडर के थ्रू इसकी वजह से कितना जाता लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, उसका कितना हिस्सा पाई बाय थ्री के थ्रू जाएगा 1/6। इसका गंदा सोल्यूशन होता है, यहाँ पे फील्ड लिखकर इंटीग्रेट करो, उससे भी आंसर आ जाता है इंटीग्रल ई डॉट डी करके, गधे ऐसे ही करते हैं।